नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज मैं यहाँ हाज़िर हूँ अपने नए मैथ लेसन के साथ। आपको खुश आमदीद ज़िलकस फेवरेट्स की तरफ से। आज का टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑलरेडी इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अब आपकी आसानी के लिए उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो कंपेयरिंग करने के लिए, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, देखने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम तीन सिंबल्स यूज़ करते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल की शेप का है। तो इसका जो ओपन हिस्सा होता है ये होता है बड़े नंबर की तरफ, और जो इसका पॉइंटेड क्लोज माउथ होता है ये होता है छोटे नंबर की तरफ। इसलिए इसको लेसर देन बोलते हैं और इसको ग्रेटर देन। और जब दोनों नंबर्स इक्वल हों तो फिर हम इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर टू डिजिट नंबर्स के दो नंबर्स हैं, मैं अपने पेन से क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जी, 76 और 59। जैसे कि हम प्लेस वैल्यू के लेसन से जानते हैं कि ये नंबर है टेंस का और ये नंबर है टेंस का, तो हमें टेंस के नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है। इसमें ये टेंस बड़ा है और इसमें ये टेंस बड़ा है। हम वंस को भी भूल जाएंगे, हम टेंस को देखेंगे। जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं, उस नंबर का जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वहाँ से कंपेयरिंग शुरू की जाती है। सो यहाँ हम कंपेयरिंग टेंस से शुरू करेंगे। 7 टेंस और यहाँ है 5 टेंस। सो कौन सा बड़ा है, 5 टेंस या 7 टेंस? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं 7 टेंस बड़ा है, लिहाजा ये पूरा नंबर 76 59 से बड़ा है। और इसको हम शो करेंगे ग्रेटर देन के सिंबल से, जिसमें क्रोकोडाइल का ओपन माउथ 76 की तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस सीक्वेंस को, इस ऑर्डर को, कि प्लेस वैल्यू किस ऑर्डर से हम लेके चलते हैं। अगर हंड्रेड्स का नंबर है तो पहले हम 100 को कंपेयर करेंगे, फिर टेंस को, फिर वंस को। 1000 का नंबर है तो पहले 1000 को कंपेयर करेंगे, 1000 डिजिट को, फिर 100 को, फिर टेंस को, फिर वंस को। तो इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, 3 डिजिट नंबर की एग्जांपल है मेरे पास। 3 डिजिट नंबर का मतलब है हंड्रेड्स। ठीक, तो हम सबसे पहले हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे, 200, और यहाँ है 300। जैसा कि साफ जाहिर है 300 इज़ ग्रेटर देन 200। सो हमारा जो क्रोकोडाइल का ओपन माउथ है वो 300 की तरफ होगा। और अगर इस नंबर को और बड़ा कर लिया जाए, 4 डिजिट बना लिया जाए, तो फिर क्या होगा नाज़रीन? फिर हम कंपेयर करेंगे इस बड़े डिजिट को, 3000 को, 1000 को। सो कौन सा बड़ा है, 3000 इज़ ग्रेटर और 1? ऑफ कोर्स 3000 इज़ ग्रेटर, 3000 बड़ा है। तो फिर 3276 विल बी ग्रेटर देन 1359। ठीक है, ग्रेटर के लिए हम ये ओपन माउथ का सिंबल यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। इस तरह से अगर ये नंबर और भी बड़ा होता जाए, 10,000 मिलियंस मिलियंस में, तो भी आप इसी तरह इजीली कंपेयर कर सकते हैं प्लेस वैल्यू को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो नंबर में ग्रेटर डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट 400 है, इधर भी 400, ये दोनों तो सेम हो गए, तो क्या पूरा नंबर इक्वल हो गया, इक्वल्स टू हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट हंड्रेड्स यहाँ पे सेम है। अब हम मूव करेंगे टेंस पर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ है 3 टेंस और यहाँ पर है 5 टेंस। सो कौन सा ग्रेटर है, 5 टेंस ग्रेटर है, इसीलिए 458 ग्रेटर होगा 439 से। सो 458 की तरफ होगा क्रोकोडाइल का ओपन माउथ। ये है कंपेयरिंग का तरीका। आई होप ये सब क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इन नंबर्स को हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं सीक्वेंस में। हमारे पास ऑर्डर करने के लिए क्वेश्चन है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे नंबर से बड़े नंबर को लिखें। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, 630, 58, 1000, 39, 5, 402। इन सब नंबर्स को रीड करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते। सो प्लेस वैल्यूज़ को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। आज आपको एहसास होगा प्लेस वैल्यू का लेसन कितना इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं समझ आए तो उसको दोबारा वॉच कीजिएगा। अच्छा, अब हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा देखना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें है वंस,
वंस को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर सिंबल आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि वंस से बड़ा नंबर कौन सा है। तो वंस के बाद आता है टेंस। हमारे पास दो टेंस हैं, पहले हम वो टेंस लिखेंगे जो कि लीस्ट है, छोटा है। सो थ्री टेंस इज लेस देन फाइव टेंस। तो पहले हम आज लिखेंगे 39, फिर 58। टेंस के बाद अब हम आएंगे हंड्रेड्स की तरफ, 630, 402। सो इसमें लीस्ट कौन सा है, 400 या 600? ऑफकोर्स 402, देन 630, और लास्ट में आएगा सबसे बड़ा नंबर जो है 1000। इस तरह अगर क्वेश्चन हो ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट लिखेंगे और फिर लीस्ट की तरफ मूव करेंगे। आप देख रहे हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑपोजिट है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट का, लेकिन तरीका एक ही है, आपने कंपेयर करना है और लिखते जाना है। ठीक है, आई होप इससे ऑर्डरिंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आप तैयार हो जाएं क्विज के लिए, इस लिंक को क्लिक करें और पहुंच जाएं क्विज पर। वहां पर आप क्लिक करेंगे प्रैक्टिस टैब को और उसमें प्ले, जैसे प्ले को क्लिक करेंगे गेम स्टार्ट हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, उसको प्ले करें, फाइनल स्कोर्स की स्क्रीनशॉट लें या पिक्चर लें और सबमिट करें गूगल क्लास में, मैथ गूगल क्लास में। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं की तो इस कोड के साथ गूगल क्लास ज्वाइन कर लें। अगर ज्वाइन करनी नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासेस, उसको फॉलो करें और क्लास को ज्वाइन करें। अपनी असाइनमेंट्स रेगुलरली वहाँ सबमिट कराएं ताकि आपकी ग्रेडिंग हो सके, और इसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत हो तो वो भी आपको दिए जा सकें ऑन पेमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास जो कि फ्री चल रही है, उसका कोड ये है, इसको भी आप ज्वाइन करें ज़रूर। हर वीक एवरी वीक आपको फ्री लेसन्स दिए जाते हैं, वॉच करें, असाइनमेंट्स को सबमिट करें, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। व्यूअर्स, मैंने आपके लिए ख़ास तौर पर इंग्लिश शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, 4 शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। अब आप देखें आपको किस किस्म का प्रॉब्लम है, क्या आपकी ग्रामर वीक है, क्या राइटिंग में प्रॉब्लम है, क्या रीडिंग इशू है, कॉम्प्रीहेंशंस, या आपको प्रॉब्लम है लिसनिंग और स्पीकिंग में। इसमें से आप जिस कोर्स पे इंटरेस्टेड हो उसका कोड 1234 मुझे इनबॉक्स करें फेसबुक पर या व्हाट्सएप करें, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि आप किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। विद इन अ वीक मैं कोर्सेज स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑनलाइन, आपको तरीका बता दिया जाएगा। हर कोर्स की ड्यूरेशन होगी 1 मंथ और हर कोर्स की फ़ी होगी जस्ट 2000। सो जस्ट आपको लॉकडाउन में जबकि करने को कुछ नहीं, आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें। तो जैसा आप चाहें, जिस कोर्स की तरफ आप चाहें, आप कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट करें और हम जल्द ही गूगल क्लासेस अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आप डायरेक्ट मेरे साथ इन टच होंगे, हमारी वीडियोस होंगी, अब मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, और हर कोर्स के लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा सर्टिफाइड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप दूसरों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। वीडियोस शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी अप्रिसिएशन, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मुझे ये मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं और काम कर सकूं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जज़ाकअल्लाह एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।